यहाँ पर एक बात बताता हूँ, भागवत के अंदर सुखदेव भगवान ने भगवान की सारी लीलाएं नहीं सुनाई हैं, क्योंकि सारी लीलाएं सुनाने लग जाते ना तो उनके पास समय कम था। 5 दिन बीत गए थे, 2 दिन बचे थे, और अगर जो बाल लीलाओं में घुस जाते तो सालों बीत जाते, क्योंकि भगवान ने इतनी लीलाएं की हैं। तो बाल लीलाओं का पूरा वर्णन भागवत में नहीं है, ये सारा का सारा वर्णन गर्ग संहिता में है। ठीक है, जो भी आपने माखन चोरी, नौका विहार, बहुत सारी लीलाएं आपने देखी होंगी भगवान की, यदि रास लीला किसी ने देखी हो तो रास लीला पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ही गर्ग संहिता से, भागवत का कोई लेना देना नहीं इसमें। ठीक है, यहां पर थोड़ी सी छोटी छोटी 2-3 लीलाएं की का वर्णन करके सुनाया है, तो मैं आपको सुनाता हूं। यहां पर तन्मात्रौ निजतौ घृणयास्तुमन्त्यौ पंकांगराग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम। दोनों माताएं बालक हैं, छोटे छोटे, वे खेलते हैं धूल में तो पूरे शरीर में धूल लग जाती है। माताजी आप एक बार बताओ, तुम्हारा पोता है ना, सच बताना, सोच के भी बताना, जब वो खेलते खेलते धूल या कीचड़ में सन जाता है तो तुम ऐसे करके पकड़ के उठाती या छाती से चिपकाती हो? तो इसका मतलब है कि यशोदा मैया और रोहिणी मैया बच्चों से प्रेम करती थी, तुम नहीं करते हो, इसका मतलब ये। यहां पर लिखा तन मात्रो निज सुतो घृणया सुनवंती, घृणया माने प्रेम के कारण सुनवंती, इतना प्रेम था कि उनका दूध झरता था। किसी का अनुभव नहीं होगा किसी का कि ज्यादा प्रेम आने से दूध निकलने लग जाए, नहीं है ना, इसका मतलब है कि प्रेम आजकल है।